भारत दौऱ्यावर आलेल्या टांझानियाच्या राष्ट्रपती सामिया सुलुहु हसन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात आज नवी दिल्लीत हैदराबाद हाऊस इथे द्विपक्षीय चर्चा झाली उभय नेत्यांनी दोन्ही देशांच्या हितकारी विविध विषयांवर चर्चा केली दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय क्षेत्रीय आणि जागतिक मुद्द्यांवरील विषयांवर आपलं मत मांडलं त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये सहा सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या या प्रामुख्याने दोन हजार ते दोन हजार सत्तावीस दरम्यान डिजिटल सोल्युशन्स कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम क्रीडा आणि सागरी सहकार्य तसंच टांझानियात औद्योगिक उद्यानाची स्थापना आदींचा समावेश आहे यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि टांझानियाच्या राष्ट्रपती सामिया सुलुहू यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित केलं भारत आणि टांझानिया यांच्या विकास यात्रेतल्या एका समान दुव्यावर पंतप्रधानांनी यावेळी लक्ष वेधलं दोन्ही देशांच्या विकासात तंत्रज्ञानाने महत्वाची भूमिका बजावल्याची बाब पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केली दोन्ही देश स्थानिक चलनात व्यापार करण्याबाबत प्रयत्नशील आहेत असं ते म्हणाले टांझानिया संबंध एक ऐतिहासिक दिन है आज हम अपनी सदियों पुराने मित्रता को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं आज की बैठक में हमने इस भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे दहशतवाद मानवते सर्वात मोठा धोका गोष्टी वो देशांच एकमत मत दोनों देशों में दहशतवाद विरोधी सहयोग पर निर्णय घे आया हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरिटाइम सिक्योरिटी पायरसी ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है टांझानियाच्या राष्ट्रपती सामिया सुलुहु हसन यांनी जी ट्वेंटीमध्ये आफ्रिकन युनियनला सहभागी केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले त्यांनी भारतासोबत चांगले संबंध ठेवण्यासाठी कटिबद्धता व्यक्त केली टांझानियामध्ये आय आय टी मद्रास परिसर उभारण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेसाठी त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले